हेलो बेटा, दिस वीडियो इज द क्लास 7 वीडियो और साइंस की वीडियो है बेटा। और इस सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो बेटा आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद उससे पहले हमने क्या करा था, उससे पहले हमने रीड किया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने प्लांट में न्यूट्रिशन देखा है वो किस तरीके से खाना यूज करते हैं और गेट कहाँ से करते हैं, इनके कौन कौन से मेथड होते हैं खाना बनाने के और यूटिलाइज करने के। क्लियर हो गया? अब ना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तो हमने देखा, हम इसमें देखेंगे चैप्टर में कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो कौन कौन सी होती है, कि कैसे एनिमल्स खाना वो बनाते हैं, किसके लिए, अपनी बॉडी को सर्वाइव कराने के लिए, रनिंग कराने के लिए, फंक्शनिंग कराने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करें, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे बेटा। न्यूट्रिशन का एक मैथ डेफिनेशन होती है टेकिंग द फूड वाई द वेरियस मैथड टू गेटिंग द एनर्जी। क्या होता है, गेटिंग एनर्जी। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है, एकदम इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे ग्लूकोज पीने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज भी एक हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि रीजन क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी खाने से क्या होता है, जब कंपाउंड बनता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही आफ्टर देन ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के आफ्टर देन हमें ही एनर्जी मिलती है। क्लियर हो गया? तो क्या, टेकिंग द फूड बाय द वेरियस मेथड फॉर गेटिंग द एनर्जी। तो ये तो न्यूट्रिशन के डेफिनेशन हो गए बेटा। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मोड ही पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक बेटा। हेटरोट्रॉपिक में ही क्या करते हैं, कई सारे पार्ट होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में हमारा क्या आ गया, वो पहला आता है हर्बीवोरस, सेकंड क्या है कार्निवोरस, थर्ड ओमनी फिर इसके बाद पैरासाइट, डीकंपोजर, एंड होलोजोइक। ये इतने सारे हमारे मोड्स होते हैं, किसके, न्यूट्रिशन के मोड्स पाए जाते हैं बेटा। अब हम एक एक करके हम न्यूट्रिशन के मोड्स राइट करते हैं। हाँ, तो अब यहां पर क्या है, हर्बीवोरस है। क्या है, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस का मतलब क्या होगा, यहां से आप देखिए, हर्ब, वोरस मींस ईटर, क्या हो गया, हर्ब मींस होता है ग्रास, वोरस मींस क्या हो गया, ठीक है। इट्स मीन डेफिनेशन क्या कहलाती है, दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट टू गेट एनर्जी is known as herbivorous। बेटा herbivorous में example कौन सा होगा, आपको तो पता ही होगा, आसपास में कौन कौन से, जो घास खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं, अपना घास खाने वाले या प्लांट से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे क्या आपका गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या है ना, ये प्रोडक्ट को खाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे काव, BUFFALO, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आता है कार्निवोरस।
कार्निवोरस का मतलब क्या होगा बेटा? कार्निवोरस का मतलब हो गया जो एनिमल्स किस क्या खाते हो, एनिमल्स और एनिमल्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी उसका फ्लैश, ठीक है, मांस खाते हो, मीट खाने वाले कार्निवोरस, ठीक है, इट्स मीन दोज एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हु ईट ओनली, हु ईट ओनली एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट, आर नोन एज कार्निवोरस। हेलो, कार्निवोरस का मतलब क्या, जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हो, एनिमल्स का मांस खाते हो, या एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट कौन से, जैसे अंडे हो गए, मधुमक्खी का, मधुमक्खी क्या देती है, हनी देती है, तो कौन खाता है, वीर खाता है, भालू खाता है, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनके सिर्फ प्रोडक्ट खाते हैं या फिर उन एनिमल्स को खा लेते हैं, जैसे मांस, मछली खाना, मुर्गे वगैरह खाना, ये सब सारे क्या, ये जो एनिमल्स एक दूसरे एनिमल्स को खाने वाले होते हैं वो सारे सारे कार्निवर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्निवर्स, एक्सेट्रा। जैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल मिल रहा आप, एग्जाम्पल में आपका आ गया लॉयन, सबसे पहले ले लो लॉयन, फिर टाइगर, फॉक्स, एक्सेट्रा। अब इसके आफ्टर देन कौन सा टॉपिक आता है, ओमनिवोरस, क्या आता है, ओमनी, ओमनी का मतलब जो दोनों ही प्रोडक्ट। अब आपको ओमनी वैसे नहीं पता, लेकिन अभी याद हो जाए, कैसे याद हो जाए, ओमनी आजकल क्या गाड़ी का भी नाम है, क्योंकि वो एक वैन की तरह भी लगती है और जीप की तरह भी लगती है, ठीक है, इसलिए वो दोनों ही काम करती है, ओमनी बोथ, ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म हू ईट एनिमल एंड प्लांट आल्स एंड आल्सो देयर प्रोडक्ट। आर नोन एज ओमनी ओमनिवर्स। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल में कौन आता है, अरे भाई हम लोग ही समझ लो, क्योंकि हम क्या खाते हैं, हम लोग खाते हैं प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। आप कहेंगे आप कि सर प्लांट कैसे खा लेंगे, हम कोई पेड़ थोड़ी ना खा लेंगे, नहीं पेड़ नहीं, कुछ ऐसे प्लांट खाते हैं जैसे हम पूरा, जैसे क्या पालक होगी है ना, और भी कई सारे प्लांट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम पूरा ही खाते हैं, ठीक है, अब या उनके प्रोडक्ट फ्रूट्स हो, फ्लावर हो, सीड्स हो, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये हम लोग खाते हैं प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट में जैसे अंडे, दूध, मछली, सॉरी अंडे, दूध और शहद वगैरह, ये हमारे उसके प्रोडक्ट होते हैं, तो हम ये खाते हैं, क्लियर हो गया। तो हम लोग में किस में कैटेगरी बात है, ओमनिवोरस। फॉर एग्जाम्पल में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग, एंड डॉग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पैरासाइट। क्या चीज है पैरासाइट, पैरासाइट एनिमल्स दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म लिव ऑन और
होस्ट बॉय टू कैट डाइजेस्टिव जूस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हो या उनकी बॉडी के अंदर रहते हो, किसके लिए? खाना खाने के लिए। उनसे मिलने वाला जो खाना है वो क्या करते हैं उनकी बॉडी से निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? पैरासाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। अब पैरासाइट में आपके लाइस हो गया, जू हो गया, या फिर टैपवॉर्म। नेक्स्ट आपका आता है पैरासाइट हो गया, अब होलोजॉइट। होलोजॉइक एनिमल्स, होलोजॉइक का मतलब हो गया दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट द फूड इन द सॉलिड स्टेट। कैसे? वो ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड स्टेट में खाने को ऐड करती हैं और क्या कर देते हैं फिर उन्हें डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वो होलोजॉइक एनिमल्स कहलाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म हु ईट सॉलिड मटेरियल एंड डाइजेस्टेड। एंड डाइजेस्ट देम आर नोन एज होलोजॉइक। अब आप कहेंगे होलोजॉइक कौन हो गया? होलोजॉइक में भाई एनिमल्स हो गया, कौन हो गया? यानी इंसान, कुत्ते, ये क्या करते हैं सॉलिड स्टेट में, हम सॉलिड स्टेट में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और भी कई सारे एनिमल्स हो गए जैसे काव है, बफेलो है, टाइगर है, एक्सेट्रा, ये सारे सॉलिड स्टेट में खाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनके डाइजेशन स्टेप होता है। लास्ट स्टेप इनका क्या होता है? लास्ट स्टेप क्या होता है? डीकम्पोजर। क्या होता है? डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर में कौन आता है बेटा? तो आज बात करते हैं डीकम्पोजर। दोज ऑर्गेनिज्म हु कन्वर्ट द ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल्स और डेड बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स इनटू द सॉइल। यानी दोज ऑर्गेनिज्म हु कन्वर्ट डिकी बेस्ट मटेरियल इनटू द सॉइल इज नोन एज डीकंपोजर। जैसे आपके घर से ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, जैसे आपके सब्जी का कूड़ा निकला, सब्जी का जब कूड़ा निकलता है तो क्या होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। और भी कई सारे मटेरियल जो क्या होते हैं सड़ जाए, गलते हैं, कोई फल, सब फल सड़ रहा है, सब्जी सड़ रही है, या फिर आपके कॉटन की कुछ चीज सड़ रही है, लकड़ी सड़ जाती है, तो सड़ने के बाद ये एनिमल्स कभी कभी होता है सड़कों पर देखा होगा वो फल जाते हैं, तो मानने के बाद क्या होता है उनका बॉडी सड़ना डिके होना शुरू कर देती है। तो डेके ऐसे मटेरियल्स को डेके करके कन्वर्ट कर देता है सॉइल में। क्या कर देता है? सॉइल में कौन करते हैं? बैक्टीरिया करते। कौन करते हैं? बैक्टीरिया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर।
एग्जाम्पल में आपका बैक्टीरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो बेटा अब है न्यूट्रिशन जब एनिमल्स में होता है तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन की कौन कौन से स्टेप होते हैं कि कैसे न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले इग्जेशन, इग्जेशन का प्रोसेस क्या होता है कि टेकिंग द फूड बाय द वेरियस मेथड इन द बकल कैविटी, बकल कैविटी तक खाने तक खाने को ले जाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इग्जेशन प्रोसेस है। इसका हम कहते थे शॉर्ट फॉर्म में टेकिंग फूड, क्या कहलाता है, टेकिंग फूड। नेक्स्ट डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब था कन्वर्ट इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल प्रोडक्ट। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाया रोटी ब्रेड का टुकड़ा जो होता है बड़ा होता है उसे क्या कर देते, सिंपल छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर देता है, लुगदी बनाता है। उसके बाद एक सिंपल सॉल्युबल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जैसे घुल जाए, कैसा हो, घुल जाए। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब करना, क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। अब बेटा एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा, जैसे क्या है कुछ कुछ सेलेक्टिव मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, शीप कर लेते हैं, शक कर लेता है, सब मीन्स चूस लिए जाते हैं, कैसे कर लिया था, तो ये कहाँ होता है वर्क, ये सारा वर्क स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है सेंडिंग द एनर्जी मॉलिक्यूल्स टू द सेल्स बॉडी, टू द सेल्स बॉडी बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड सेल्स, सेंडिंग, सेंडिंग कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कह सकते हैं द एनर्जी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इग्जेशन का प्रोसेस आता है लास्ट स्टेप, जब खाना बिल्कुल डाइजेशन होता है, इसमें से एक मटेरियल निकाल लिया था भी, जो सबसे यानी कि जो ऐसे सब्सटेंस जो यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए ग्रो या मेंटेनेंस बनाने के लिए या फिर रिपेयरिंग करने के लिए, जितने भी मटेरियल्स हमारे नीड्स होते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा वेस्ट बनता है तो वेस्ट को कहाँ निकाल देते हैं, एनएस के प्रोसेस में हम क्या करते थे, बॉडी से बाहर निकालते हैं, इग्जेशन रिमूवल ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक डेफिनेशन को मैं राइट करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और एक डेफिनेशन बनाऊंगा, तब तक आप लोग इसे एक टॉपिक बाय टॉपिक अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद एक लास्ट काम जो बचता है आपके पास, लाइक, हर वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ठीक है बेटा, जिससे कि अगर नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। दूसरी बात, शेयर करने से यह बेनिफिट हो जाएगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट से नहीं देख पाए तो आपको वीडियो सेंड करने में हेल्प भी मिल जाए और उससे फायदा भी मिलेगा। ये जरूरी नहीं होता कि आपके कॉलेज से रिलेटेड हो, और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हो तो उसे शेयर कर सकते हैं आप, ठीक, लेकिन होना चाहिए सर्व क्लास का स्टूडेंट, ठीक है बेटा, बाय।